हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो लगभग 100 रुपये के आसपास का है और जिसके रिटर्न मल्टी बैगर है। एक स्टूडेंट और मिडिल क्लास ऑलवेज चाहता है कि उसे एक कम प्राइस में अच्छा स्टॉक मिल जाए जिसके भरोसे वो फ्यूचर में बहुत अच्छा परसेंटेज, बहुत अच्छा रिटर्न गेन कर सके। आइए इसके बारे में हम बातें करते हैं, इस शेयर के बारे में बात करते हैं, उसको फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और मैंने यहाँ 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी है, तो उन्हें जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसमें छुपी हुई है। आइए हम उस कंपनी और उस शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो उस कंपनी का नाम है ब्लैक रोज इंडस्ट्री। ये आपको हमेशा, ये आपको BSE की साइट पर मिलेगी। NSE पे आप सर्च करेंगे तो ये नहीं मिलेगी क्योंकि ये BSE पे लिस्ट है। इसके अलावा हम इसकी इंडस्ट्री के टाइप की बात कर लेते हैं, तो ये टेक्सटाइल एज वेल एज ये केमिकल में भी काम करती है। और इसके जो मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं, तो ये माइक्रो कैप कंपनी है, बड़ी छोटी कंपनी है। और 646 करोड़ रुपीज़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इसके अलावा हम अब इसके रिटर्न की बात करते हैं। देखिए, इसका जो रिटर्न है बड़े मल्टी बैगर है। ऑलरेडी मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि किस तरीके से इसने रिटर्न दिए। वन डे का रिटर्न देखिए, वन डे में 1.47% का रिटर्न है, 3 मंथ्स में 36, 6 मंथ में 36% का रिटर्न है, ईयर टिल डेट में 34, 1 ईयर में 155% का रिटर्न है, 2 ईयर में 209% का, 3 साल में 400% का, 4 साल में 540% का, 5 साल में 363% का, और 10 साल में रिटर्न देखिए, यहाँ पर 10 साल में जो इसके रिटर्न है 2400% के रिटर्न है, 2400% के रिटर्न। आप सोचिए कि अगर किसी ने 10 साल पहले केवल 1000 रुपये इन्वेस्ट किए होते, तो आज उसके रिटर्न क्या होते। आज इसके रिटर्न लगभग वो लखपति हो चुका होता, और किसी ने 10,000 इन्वेस्ट किए होते तो वो शायद करोड़पति हो चुका होता। ओके, इसके अलावा हम अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, तो प्रमोटर्स जो सेबी का रूल होता है कि 75:25 का, तो उस पर ऑलरेडी है, तो इसने प्रमोटर्स में 75% की होल्डिंग रखते हैं, 75% की, और कोई भी शेयर इनका गिरवी नहीं है, कोई भी शेयर इनका प्लेज नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है इस कंपनी की। ये हमेशा होना चाहिए कि अगर कंपनी ने अपने ही शेयर गिरवी रख रखे, तो मतलब कंपनी में कुछ ना कुछ खराबी होगी। बट आप देख रहे हैं कि शेयर इसमें 75% की सैलरी प्रमोटर की है, और कोई भी शेयर इन्होंने गिरवी नहीं रखा। फॉरेन इन्वेस्टर इसमें 0.27% की होल्डिंग, और डोमेस्टिक में 5.13% की होल्डिंग इसमें रखते हैं। इसके चार्ट की बात कर लेते हैं, एक बार चार्ट पर आते हैं, तो इसमें वन डे में 1.87% का इसने रिटर्न दिया है। इसके अलावा अगर हम मैक्सिमम की बात करते हैं, हमेशा देखना कि अगर आप किसी कंपनी को चूज़ कर रहे हैं, तो उसके पहले चार्ट ओपन करके देखना और देखना उसका चार्ट किस तरीके का है। अगर किसी भी कंपनी का चार्ट इस तरीके का है, इस तरीके का जो ऊपर जाता हुआ इसका चार्ट है, तो समझिए वो कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, उसमें इन्वेस्ट करना हमेशा फ़ायदेमंद ही आपको रहेगा। इसके अलावा बहुत सारे फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं जो करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है, उसकी रिसर्च करनी पड़ती है, ओके, तभी हम देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो 1997 में केवल 78 पैसे की ये कंपनी हुआ करती थी, केवल 78 पैसे में मिलती थी ये कंपनी। दो, अब कोई भी पौधा आप लगाओगे तो पेड़ आने में और उसमें फल आने में हमेशा टाइम लगता है। तो आप देख रहे हैं कि 1997 में ये कंपनी जैसे लिस्ट हुई, इसके अलावा ये 2014 तक ये कंपनी नीचे चलती रही, कभी ऊपर बढ़ी कभी नीचे बढ़ी, मतलब उनका शेयर हमें चार पाँच रुपये पे चलता रहा। बट 2014 देख रहे हैं आप 5 रुपये पे, बट 2014 से लेके आज की डेट में अगर आप देखेंगे 2020 में, 2020 में, तो 4-5 रुपये से लेके 128 रुपये, मतलब 123 रुपये पर शेयर पे इसने बढ़ोतरी करी है, इसने जंप लगाई है इतनी। तो आपको जैसे कि मैं ऑलरेडी रिटर्न दिखा चुका हूँ कि किस तरीके से इसने 10 साल में क्या रिटर्न दिए। ओके, अगर 6 साल की भी बात करें, तो 6 साल पहले भी अगर आपने 2014 में इन्वेस्ट किया होता इस कंपनी में, तो भी आप लखपति और करोड़पति बहुत आसानी से होते। ओके, बट कोई बात नहीं, ये कंपनी बहुत अच्छी है। इसके अलावा अगर हम इसके बैलेंस शीट की तरफ एक बार रुख कर लेते हैं, तो आप देख रहे हैं
इसके रिजर्व्स देखिए, 2017 में इसके रिजर्व्स 20 करोड़ रुपए थे। इसके अलावा 2018 में 29 हुए, 2019 में 41 हुए, और 2020 में इसके रिजर्व्स 60 करोड़ हुए। आप देख रहे हैं इसके रिजर्व हमेशा बढ़ रहे हैं, तो ये अच्छी कंपनी का साइन होता है कि हाँ इसके रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, ये कंपनी के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम इसके डेट की बात करें, इसके कर्ज की बात करें, तो कंपनी का कर्ज 2014 में, 2017 में 38 था, 2018 में 31, 2019 में 25, और 2020 में आज इसका कर्ज 19 करोड़ के लगभग है। तो आप देख रहे हैं इसका कर्ज भी हम नीचे की तरफ जाता जा रहा है, तो ये भी एक अच्छी कंपनी का पहचान है कि कर्ज कर्ज इसका घट रहा है, रिजर्व्स उसके बढ़ रहे हैं। कर्ज घट रहा है, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। इसके अलावा हम इसके कैश एंड बैंक बैलेंस की बात कर लेते हैं। तो 2017 में 2 करोड़, फिर 3 करोड़, फिर 4 करोड़, और इसके बाद 5 करोड़। तो इसके कैश एंड बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, इसके पास पैसा आ रहा है। तो आप देखिए, अगर ये कैश एंड बैंक बैलेंस, इसका कैश एंड बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, डेट कम हो रहा है, ओके, इसका चार्ट पैटर्न ऊपर है, तो इस कंपनी का देखिए कि कितना अच्छी अच्छी कंपनी है। अगर जैसे ही इसके जो ये डेट क्लियर होगा, तो एज अ डिविडेंड जो इसे अभी अभी एक इंटरेस्ट में पे करता है, तो एज अ डिविडेंड आपको बाद में पैसे आपको ज़्यादा मिलेगा, डिविडेंड ज़्यादा देगा, शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। तो मेरा तो मानना है कि ये कंपनी आने वाले 5 साल में, 5 ईयर्स में, ये कंपनी लगभग 1000 करोड़, 1000 को टच कर लेगी। और ये इसने 1000 रुपीज़ टच किया, तो आप समझ सकते हैं 5 साल में आपके पैसे कितने बढ़ जाएंगे। 128 का शेयर आपको आपका 1000 रुपये का हो जाएगा। तो आपके रिटर्न्स किस तरीके के होंगे आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप इसके अलावा आप इसके बारे में रिसर्च करिए, आप देखिए, और उसके बाद आप इसमें इन्वेस्ट करिए। आप इस हमारी वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और नीडी वन के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।